मैं जा रहा था, बगल से अचानक से कोई क्या पशु आ गया और उसको रिप करके मेरे हाथ में गोदाई लगी। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2,03,00,000 आवारा पशुओं की संख्या आंकी गई है। इन आवारा पशुओं से हर साल 1200 से 1300 के बीच में लोगों की मौतें हो रही हैं। अब आ जाते हैं अपने विंध्य पर। वर्तमान समय में विंध्य की सबसे बड़ी समस्या की अगर बात की जाए तो आवारा पशुओं की है। चाहे गाँव हो या शहर हो, हर जगह ये समस्या है। अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में जहाँ किसान परेशान है, उनकी खड़ी फसल नष्ट कर रहे हैं आवारा पशु, वो सारी सारी रात खेतों में रुक कर अपनी फसल की तकवारी करते हैं, उसके बावजूद उनकी फसल गोरू चट कर ले जा रहे हैं, तो कई बार गांव में ही विवाद के कारण बन रहे हैं आवारा पशु। अगर शहर की बात करें तो ये शहर में ये समस्या जानलेवा साबित हो रही है। आए दिन समाचार पत्रों में और मीडिया में खबरें छपती हैं, आप पढ़ते और देखते आए होंगे कि फला जगह एक्सीडेंट हुआ, बड़ा सड़क हादसा हुआ और उसकी वजह थी आवारा मवेशी। इसमें लोगों की जान भी चली जाती है और कई बार लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसी का मुआयना करने हम निकले हैं। हम रीवा शहर के आसपास के गांव भी आपको ले चलेंगे और किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, और शहरवासियों से बात करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। साथ ही जिम्मेदाराना अधिकारियों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि वो इस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। मध्य प्रदेश में हर साल 283 मौतें आवारा पशुओं के हमले या इनकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। जाने ऐसे कितने सड़क हादसे मवेशियों के चलते आए दिन होते रहते हैं, जिनके आंकड़े न तो सरकार के पास हैं और न ही प्रशासन के पास। ये तो हुई आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात, जिनके चलते कईयों ने अपनी जान गंवाई है तो कई हमेशा हमेशा के लिए बैसाखी के सहारे हो लिए हैं। ना सिर्फ शहर, गांव भी इस समस्या से खासा परेशान है। किसान, जिनकी आय का एकमात्र साधन खेतीबाड़ी हुआ करती थी, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। साल दर साल किसानी का रकबा कम होता जा रहा है। जो किसान 4 बीघे में खेती करता था, वो अब आधे में करने को मजबूर है। और इन सब समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आवारा पशु। जब हम रीवा शहर के आसपास के गांवों के किसानों से मिलने के लिए गए तो हमने देखा कि किसान अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी किए हुए हैं। जब हमारे रिपोर्टर शिवेंद्र सगरा और भाटी गांव के किसानों से मिले तो अन्नदाताओं ने कहा कि हम रात भर, बरसात हो या ठंड, हम खुले आसमान के नीचे एक पतली पन्नी को छत बनाकर रहते हैं। सांप बिच्छू का भी डर हमें सताता है। इन सब के बावजूद हम अपने खेतों पर पहरा देते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर हमारी आँख थोड़ी देर के लिए भी लग गई तो मवेशी हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने हमसे ये भी बताया कि बहुत से किसानों ने तो खेती करना ही छोड़ दिया है। आप तो 3 मंजिला के ऊपर सो रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं देख रहा है कि ये क्या कर रहा किसान का बच्चा। आज ये बरसात में खेत में सो रहा है आदमी, लाठी लेके चाहे सांप खा ले चाहे बिच्छू खा ले। अहरा गोरू है, तहरा गोरू इतना मवेशी नुकसान कह रहे हैं। धान ही कहर, उर्दा कहर, मूंग ही कहर, सबका टोटल नुकसान कह रहे हैं। इनसे तो हम पचे जो ही बंद हो यहाँ तो ठीक है। हमारे नहर के उस पार अभी तक खेती नहीं बोई गई है जानवरों के कारण। लेकिन सरकार तो थोड़ा सा मदद करे ना हमारी, तब ना हम लोग ये पूरी सहयोग करे तो इसमें तो हम लोग भी वो करेंगे। हम तो बोलते हैं दूसरा चारा की व्यवस्था करवा देंगे। तो एक हम खेत ही देते हैं, सरकार उसमें बाउंड्री करा दे, हम पालन कर लेंगे। पर हाँ, वो बाउंड्री तो अगर हम बाउंड्री कराने जाते हैं तो 1 एकड़ बेचे तब हम बाउंड्री करवाएंगे। तो सरकार ये हमारी समस्या को समझे। आइए सरकार के लगे हमारा आग्रह अपना जरूर पहुंचाइए। जानवरों की समस्या गंभीर समस्या हमारे यहाँ जो है पशुओं के कारण। जैसे इस समय धान की रोपा की बिजाई की गई है, इसके लिए पूरे गांव में बार लगाया गया है। आदमी नहीं निकल सकता है कि आदमी कहीं से जाके अपने खेत तक पहुंच जाए।
मतलब पूरा का पूरा रास्ता अवरुद्ध है ये बाड़ लगाने के कारण, जानवरों के कारण। हम पंचे कंप्लेन करें, शुक्ला जी के पास गबव भयल है, शुक्ला जी हमारे लगे अव्वो भय है, एक बे नहीं दो चार बे, इतने छोट गांव में ना जानवरों की व्यवस्था कर पाए ना रोड बन पाई आज तक। एक बीच में सारे का एक्सीडेंट कर दे, खा ले बीच की बिच्छी, खा ले सांप, खा ले चाहे जो कुछ खाता रहे, उससे क्या फायदा। अब हमारी फसल बोई है तो उसको ताकेंगे, चाहे मर जाए तो मर जाए, शहीद हो जाए। किसानों से उनके गांव जाकर बात करने के बाद हमने रीवा शहर का भी जायजा लिया। इस दौरान हमने जगह जगह आवारा मवेशियों का जमावड़ा देखा, हमने सड़क के बीचों बीच पशुओं को आराम फरमाते हुए देखा। हमें ये समस्या किसी एक मोहल्ले की नहीं, किसी एक चौक की नहीं, बल्कि पूरे शहर की लगी। इन आवारा पशुओं की वजह से शहरवासियों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, इसे जानने के लिए हमने शहरवासियों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आवारा पशुओं में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, चाहे किसान हो चाहे आम नागरिक, सब बहुत ही परेशान है। खासकर सड़कों का हाल तो इतना बेहाल है कि आप चल ही नहीं सकते हैं। हर 4-5 किलोमीटर की दूरी में आप जाइए, आवारा पशु कहीं रोड में कहीं कुछ। अभी एक दिन पहले तो लगभग 7 दिन हुए मेरा खुद का ही एक्सीडेंट, मैं जा रहा था बगल से अचानक से कोई पशु आ गया और उसको रिप करके मेरे हाथ को खोदाई लगी। तो आज दिन मैं समझता हूँ कि इससे एक्सीडेंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉर्मली तो होते ही थे एक्सीडेंट पहले, पर इन पशुओं की वजह से कई बार रात में समझ में नहीं आता है, पता चला कोई पशु लेटा है बैठा हुआ है, या चलते समय अचानक से कोई जानवर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और किसानों के लिए तो है ही सही, कोई किसानी उजड़ गई समझिए। आप अभी ग्रामीण स्तर पर इस बात का सर्वे करेंगे तो 90% किसान ऐसे मिलेंगे बेचारे जिनकी खेती सिर्फ आवारा पशुओं की वजह से उजड़ गई। किसान हमारा इतना सक्षम नहीं कि हर कोई अपनी बाउंड्री लाखों की लगा के बना सके, छोटे किसान हैं वो परेशान होते हैं और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जरूरी है कि इसका कुछ हो, आप मीडिया के तो इस बात को उठाया। यहाँ इटौरा भेड़ौरा पुल बोलते हैं, तो अभी 5-6 गाँव की अभी कल मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से। मतलब पशुओं की वजह से? हाँ, एक्सीडेंट में तो सर जी आज 3-4 साल से ये मान कर चलिए कि 80% खेती गई। जी सर, करम पाठक नाम है मेरा, मैं सगरा से हूँ। और ये पशु जो है आपको यहाँ पे दिखाई देते होंगे, यहाँ कम से कम 400 मुड़ा है पशु, है ना जी। और इनके कारण से कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं जी, इंसानों की भी मृत्यु होती है, और यहाँ मैं छोटा सा एक किसान भी हूँ, है ना, तो किसानी भी करता हूँ, इनके कारण से बहुत कुछ समस्याएं आती हैं, है ना। और यहाँ छोटे छोटे कुछ गरीब हैं जो अधिया में खेत लेके काम करते हैं, उनके फसल चर जाते हैं, है ना। और अपन शिकायत भी किए, ऐसा नहीं है, अपन कंप्लेंट भी किए, मंत्री मिनिस्टर तक भी गए, मतलब 100-150 लोग, है ना, कोई सुनवाई नहीं। अभी ये परसों की ही बात है, आगे यही मोड़ पे एक ऑटो जा रही थी, उससे गाय से टकराया जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, आज भी वो संजय गांधी में भर्ती हैं। बताइए ये स्थिति है, आए ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन एक्सीडेंट यहाँ ना होता हो, पर डे का नियम बन गया है। मेन वही है सर, पशुओं की वजह ही। हम भी ड्राइवर आदमी है गाड़ी, हमको खुद रात में दिक्कत जाती है, ये लगता है कि अपने को बचाएं कि गाय को बचाएं कि सामने वाले को बचाएं, किसको बचाएं, तीनों में से एक जाना ही जाना है। कोशिश तो यही रहती है कि भैया सेफ्टी में रहें सब, क्या करें। कई ऐसी गाय हैं जो रात को दिखाई नहीं देती, जैसे काली कलर की गाय होती है, दिखाई नहीं देती है। हम क्या, पूरा देश परेशान है, हम तो परेशान ही है, पूरा गांव परेशान है, पूरा जिला परेशान है, और पूरा प्रदेश परेशान है, फिर पूरा राज्य परेशान है, हर जगह सब लोग परेशान है इससे। क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं? परेशानी अगर हम लोग खेती करते हैं, कुछ खेती बचती नहीं है, रात भर ताको, सर्प कटवाओ, बिच्छू कटवाओ, मतलब पूरा जान हत्या सब कुछ सिस्टम। उसके बाद ये तो रोड में जैसे घूम रहे हैं, इसके चक्कर में आदमी भी एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रामीणों से लेकर शहर में रह रहे आम लोग, हर कोई इस समस्या से परेशान है। समस्या है तो इसका समाधान भी है, बस बशर्ते उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कहने को तो जिले में निरीक्षित असहाय गौवंशों के लिए 209 गौशालाएं हैं,
लेकिन इन गौशालाओं में न तो पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हैं, न ही उतने मवेशी इन गौशालाओं में हैं जितनी उनकी क्षमता है। जिले में तो ऐसी कई गौशालाएं हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनमें पिछले एक साल से काम ठप्प पड़ा हुआ है। खैर, आवारा पशु की समस्या को लेकर हमने जिम्मेदार अधिकारी जैसे कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त से बात की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। शब्द सांची आम जनता से जुड़े मुद्दे ऐसे ही उठाता रहेगा, इसके लिए हमें बस आपके समर्थन की जरूरत है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।